अभी कुछ दिनों पहले मेरे दोस्त ने मुझे एक रील भेजी थी जिससे मुझे विराट कोहली के बारे में एक शॉकिंग प्लस काम की चीज पता चली जो मैट्रिक्स से बाहर निकलने में आपकी मदद भी करेगी। पहले ही बता दूं, कोई क्रिकेट शॉट या डाइट की बात नहीं करने वाला हूं, ऐसी बात करूंगा जो आपके लाइफ को और बेहतरी बनाएगी प्लस मैट्रिक्स से बाहर निकलने में आपकी मदद ही करेगी। लेट्स बिगिन। देखो, मैं बिलीव करता हूं जिस किसी से भी जहां से भी कोई काम की चीज पता चल जाए उसे सीख लो और इंप्लीमेंट कर दो। इससे पहले कुछ और बताऊं, पहले ये वीडियो देखो जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। फोटो से हमें याद आया, भारत पे में अपने सारे क्रिकेटर्स को साइन किया था। फोटो किसी के साथ नहीं है, विराट कोहली को आपने साइन नहीं किया, विराट कोहली के साथ फोटो। यार मैं ना, मेरे को ना धंधा करते हुए बहुत मजा आता है, ठीक है, उनमें बहुत मजे लेता था लोगों के। तो एक बार क्या हुआ, कोई एजेंसी वाला आया, वही जो ब्रोकर होते हैं दल्ले, तो मतलब अच्छे होते हैं, उनका काम है, मतलब वो नहीं आएंगे तो हमको भी कहाँ से प्लॉट, हम भी कहाँ से खरीदेंगे। सही बात है। तो वो आया, मेरे को बोलते हैं कि सर ये आईपीएल की टीम है, मैं आपको यहाँ पे लोगो दे दूंगा, यहाँ पे दे दूंगा, राइट चेस्ट, लेफ्ट चेस्ट, शोल्डर, ये वगैरह बेचने लग गए। लगा कि ये सर मेरे मजे ले रहे हैं। तो फिर उसने मेरे को बोला कि सर नहीं नहीं आप ना विराट कोहली को ले लो। तो फिर मैंने बोला चल विराट कोहली को ले लेते हैं। उसने एक अमाउंट बोली, एक्स अमाउंट, अभी बोलूंगा नहीं, वो विराट कोहली बुरा मान जाएगा। तो फिर मैंने बोला नहीं और कुछ और प्लेयर बता। तो बोलते हैं उसके बाद सर किसी की औकात ही नहीं है, ठीक है। मैंने बोला सर किसी की औकात नहीं है? कह रहा हाँ जी किसी की औकात नहीं है। मैंने बोला एक काम कर, जितना तू मेरे को कोहली बेच रहा था ना उसको डिवाइड बाई टू कर, इस नंबर पर मेरे को 11 बाकी प्लेयर ला दे। और मैंने वही डील करी, फिर 11 प्लेयर लिए कोहली डिवाइडेड बाई टू के नंबर पर, ठीक है। अब मजे की बात सुनो, मेरे पास किसी के साथ फोटो नहीं है, मैं शूट पर ही गया। एक ही फोटो अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे आई थी, वो कोहली के साथ बात करती हुई थी, और जब कोहली के साथ बात कर रहा था ना मैं उसको यही किस्सा सुना रहा था कि मैं कैसे आप यू नो आपको मेरे को बेचने आए थे और मैंने 11 बाकी प्लेयर ले लिया, आपको नहीं लिया। और कोहली जी बोला इट्स वेरी गुड बिजनेस। इस वीडियो में बात कौन कर रहा है? अश्नीर ग्रोवर, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है। अब ये पार्ट एक घंटा 10 मिनट की पॉडकास्ट को काट के 30-40 सेकंड की रील में कन्वर्ट करा गया है। इस रील के कमेंट सेक्शन में तुम्हें काफी सारे मिलेनियर्स की भीड़ मिल जाएगी, मजे के लिए उनके कमेंट्स पढ़ भी सकते हो। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, अब देखो उनकी कंपनी है भारत पे। अब अगर तुम्हें याद हो तो भारत पे ने विराट कोहली को छोड़ के बाकी सभी 11 प्लेयर्स को अपने एड के लिए साइन किया था। अब ये एड अगर तुम टीवी वगैरह देखते हो तो तुमने देखा भी होगा, मैंने तो पेपर में देखा था। और यहाँ अश्नीर ग्रोवर ने रीजन भी बताया है कि उन्होंने विराट कोहली को इस एड के लिए क्यों साइन नहीं किया था, क्योंकि विराट कोहली की जितनी फीस थी उसकी आधी फीस में उन्होंने बाकी और 11 इंडियन प्लेयर्स को अपने एड के लिए साइन कर लिया था। लेट से अगर विराट कोहली की फीस 300 करोड़ भी थी तो उन्होंने 150 करोड़ रुपए में बाकी और 11 इंडियन प्लेयर्स को अपने एड के लिए साइन कर दिया। विच शोज ही इज ए स्मार्ट बिजनेसमैन, जो कि विराट कोहली ने उनसे मिलने के बाद कहा भी था। अब यहाँ कमेंट में ये मत लिखने लग जाना भाई बाकी के 11 प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं, मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या यहाँ डिसरिस्पेक्ट कर कौन रहा है, और तुम ये सब गार्बेज सोचते कैसे हो? यहाँ तो अश्नीर ग्रोवर नॉर्मल बिजनेस टॉक कर रहे हैं, और मुझे पता है अभी वीक मैन तो यही कमेंट लिखेंगे, बट तुम मत लिखना बिकॉज यू आर नॉट वीक। अब देखो ये क्या दिखाता है, अब ये मेरे विचार नहीं है, इस पॉडकास्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू बाकी और इंडियन क्रिकेट प्लेयर से कितनी ज़्यादा है कि अश्नीर ग्रोवर ने अपने ऐड के लिए विराट कोहली को जितना हायर करने में फीस लगती उसकी आधी फीस में उन्होंने पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को अपने ऐड के लिए साइन कर दिया, जो दिखाता है कि विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू कितनी ज़्यादा है। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी प्लेयर को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, ये दिखाता है कि ब्रांड की कितनी वैल्यू बढ़ जाती है। विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू बाकी और प्लेयर्स के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल है, क्योंकि विराट कोहली ने खुद को एक ब्रांड बनाया है, और विराट कोहली एक अच्छे क्रिकेटर होने के साथ साथ एक पर्सनल ब्रांड भी है, विच इज अ फिनोमिनल थिंग। मोस्ट फॉलोड इंडियन ऑन इंस्टाग्राम, जिनके आसपास कोई एक्टर एक्ट्रेस भी नहीं है, और विराट कोहली ये काम कोई आज से नहीं कर रही। अगर तुम्हें याद हो तो उनका एक हेड एंड शोल्डर का एड आया करता था। अगर तुम गौर से देखो तो विराट कोहली ने खुद को तब से एक ब्रांड बनाना शुरू कर दिया था। और पता है खुद को ब्रांड बनाने के पीछे विराट कोहली की सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी रही है? उनकी डायनेमिक पर्सनैलिटी। अगर तुम गौर से देखो तो विराट कोहली की पर्सनैलिटी बाकी और इंडियन क्रिकेट प्लेयर से तुमको काफी यूनिक लगेगी। अब मैं तो ज्यादा क्रिकेट देखता नहीं हूं, लेकिन जब मैं आईपीएल देखता था तब मैंने ये बात नोटिस करी थी। तो तुम देख सकते हो एक अच्छी पर्सनैलिटी होने की वजह से तुम कितने यूनिक प्लस तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के मुकाबले कितनी बढ़ जाती है।
अब यहाँ पर्सनैलिटी का मतलब ये मत समझ लेना ऐसे ऐसे बाल बना लेना या महंगे कपड़े पहन लेना। यहाँ हम बात कर रहे हैं जेन्युइन पर्सनैलिटी की, ना कि दिखावटी पर्सनैलिटी की। वैसे मैं पर्सनैलिटी के ऊपर एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, अगर चाहते हो उस पर एक वीडियो आए तो कॉमेंट कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर ब्रांड की क्या वैल्यू होती है और एक पर्सनल ब्रांड में पर्सनैलिटी का कितना बड़ा रोल रहता है। अगर वीडियो से 1% भी कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हु डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ, इसलिए ऐसी और काम की वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आज जो कुछ भी इस वीडियो से नया सीखा है उस पर थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना, वरना इसको भी रात के खाने की तरह भूल जाओगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।